मैसेंजर डैम। भारतवर्ष में जितने सारे पॉपुलर डैम हैं, उनमें से ये है एक। ये डैम झारखंड के दुमका जिला में है। ये डैम कनाडा डैम के नाम से भी परिचित है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आप कैसे पहुंच सकते हैं ये मैसेंजर डैम। इस डैम में आपको क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर रहने के लिए और खाने के लिए क्या व्यवस्था है, यहाँ पर आप पिकनिक कहाँ पर मना सकते हैं, ये सब विषय के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मैसेंजर डैम जा रहा है। ये मैसेंजर डैम झारखंड के दुमका जिला में है। तो वहाँ का मेन जो अट्रैक्शन है वो है डैम तो है ही, इसका साथ साथ चारों ओर पहाड़ वहाँ पर फैला हुआ है। बहुत लंबा और ऊंचा है ये डैम। और हमारे साथ है, पीछे है राज, बगल में भाभी जी, और उसके साथ में है मेरे फूफा, और साथ में ये मेरा नयन भाई, ये ड्राइविंग कर रहा है। मेरा घर एक्चुअली हुगली में है। हुगली से यहाँ का डिस्टेंस है लगभग 210 किलोमीटर, और कोलकाता से अगर आप आइएगा तो कोलकाता से डिस्टेंस पड़ेगा 240 किलोमीटर। तो काफ़ी एडवेंचरस ये जर्नी है, आप लोग इसको देखते रहिए। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आप लोग देखते रहिए मैसेंजर डैम। मैसेंजर डैम चलते चलते फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं आप मैसेंजर डैम किस तरह पहुंच सकते हैं। दरअसल मैसेंजर डैम पहुंचने का दो रास्ता है। एक आप झारखंड के दुमका होके आ सकते हैं, और इधर पश्चिम बंगाल के सिवरी होके आप जा सकते हैं। अगर आप पश्चिम बंगाल के सिवरी होके आएंगे तो आपको हावड़ा से हूल एक्सप्रेस पकड़ के सिवरी स्टेशन उतर के फिर आप दुमका जाने वाली बस पकड़ के आप मैसेंजर डैम पहुँच सकते हैं। वैसे भी तो सिवरी स्टेशन पर आपको बहुत सारी मिल जाएगा प्राइवेट कार, आप प्राइवेट कार बुक करके भी आप मैसेंजर डैम जा सकते हैं। सिवरी स्टेशन से मैसेंजर डैम का डिस्टेंस है 37 किलोमीटर। अगर आप दुमका होके आइएगा तो आपको सिवरी आने वाली बस पकड़ के आप मैसेंजर डैम उतर के मैसेंजर डैम देख सकते हैं। दुमका से मैसेंजर डैम का डिस्टेंस है 41 किलोमीटर। तो मेरे सलाह है, मैं आपको बोलूँगा आप हावड़ा से ट्रेन पकड़ के सिवरी उतर के फिर वहाँ से आप प्राइवेट कार बुक करके मैसेंजर डैम देखने जाए, ये आपके लिए बेहतर होगा। हाँ, मैसेंजर डैम पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम मैसेंजर डैम के ऊपर में जाने के लिए जो एक नंबर गेट है, जो डैम के ऊपर में जाने के लिए जो रास्ता है, उस रास्ते के एकदम सामने में खड़ा हूँ। और इसी रास्ता के ऊपर से हम यहाँ का जो चारों तरफ का जो नज़ारा है वो नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ होटल है, आप लोग देख सकते हैं, और कुछ दुकान भी लगा हुआ है। फिलहाल अभी कोविड परिस्थिति है, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट अभी फिलहाल ज़्यादा नहीं है। ये बंद था कुछ दिन पहले, ये खुला है। तो चलिए आपको डैम के ऊपर में हम ले चलते हैं, और ये डैम के ऊपर से जो चारों तरफ का डैम का दोनों तरफ का जो नज़ारा है वो नज़ारा आपको हम दिखाते हैं। डैम के ऊपर में तो हम आपको लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले डैम के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं। ये मैसेंजर डैम एक्चुअली एक हाइड्रो पावर डैम है। ये डैम 1955 में ये बना था। इस डैम का ऊँचाई है 47 मीटर, यानी कि 155 फीट। ये डैम टोटल 661 मीटर लंबाई में है, यानी कि 2170 फीट। इस डैम में टोटल 21 लॉक गेट है, और इस डैम को ओपनिंग किया था फॉरिजन मिनिस्टर कनाडा का बी पियर्सन। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर रहना चाहें तो यहाँ पर आपको रहने के लिए वेस्ट बंगाल टूरिज्म लॉज मिल जाएगा, जो कि एकदम नॉर्मल प्राइस में आपको रूम मिल जाएगा। और खाना खाने के लिए ये जो रोड देख रहे हैं, इस रोड के पास में ही छोटा मोटा होटल है, यहाँ पर आपको खाने में लिए मिल जाएगा। आप जो खाना चाहे, मछली हो, अंडा हो, या फिर कुछ और हो, तो यहाँ पर आपको खाने के लिए मिल जाएगा। ऐसे ही एक होटल है शिव शंकर होटल, जो एकदम डैम के किनारे हैं। तो इस होटल में हम लोग खाना खाए थे काफ़ी सस्ते में, 50 रुपया थाली है सब्जी भात का, और साथ में अंडा 20 रुपया और मछली 40 रुपया। तो काफ़ी अच्छा होटल है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर आप लोग खा सकते हैं। ये रहे होटल का भीतर का जो नज़ारा है वो नज़ारा। अब हम डैम में प्रवेश कर चुके हैं, उसके ऊपर से हम जा रहे हैं उस पार। तो मेरे बाएं तरफ देख रहे हैं जहाँ पर पानी स्टोर किया हुआ है, और मेरे दाएं तरफ है ये बहुत बड़ा सा एक गहराई। तो अब वीडियो को देख के आप लोग समझ गए होंगे कि कितना ऊंचा हो सकता है ये डैम।
एक्चुअली फ्रेंड्स, ये मैसेंजर डैम एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। दूर दूर से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर पिकनिक करने के लिए। और हॉलीडे के दिन में तो यहाँ पर पैर रखने का जगह तक नहीं मिलता है। लेकिन इस बार कोविड के चलते पिकनिक नो अलाउ। तो फ्रेंड्स, ये रहे डैम के अंदर स्टोर किया हुआ पानी का नजारा, आप लोग देख रहे हैं। एक बात फ्रेंड्स, आप अगर चाहे तो यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं, उनके भी पूरा व्यवस्था है। लेकिन इस बार कोविड के चलते यहाँ पर बोटिंग बंद है। लेकिन बोटिंग का जो नॉर्मल रेट है वो है 100 रुपया पर पर्सन। हमको तो यहाँ पर बोटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आपको अगर मौका मिले तो आप जरूर बोटिंग करिएगा और साथ ही साथ आप इंजॉय करिएगा। अब हम डैम को घूम के डैम के नीचे की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर डैम का पानी गिरता है। जहाँ पर डैम का पानी गिरता है वहाँ से शुरू हो जाता है मोरक्की नदी। तो वो मोरक्की नदी का जो नज़ारा है वो नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ भी नीचे चलिए, नीचे चल के वहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहे वो जगह जिसको देखने के लिए डैम के नीचे जाना पड़ता है। जैसे हम भी नीचे आए हैं तो दूर दूर से बहुत लोग आते हैं इस नज़ारा को देखने के लिए, साथ ही साथ अपना मनपसंद फोटो शूट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये मैसेज ऑन डैम का वीडियो? अगर वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही इस तरह के टूर रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। और हाँ, अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं की है तो मैं आपको बोलूँगा आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की प्लेस पॉपुलर वैसे भी तो है, लेकिन अगर शेयर करेंगे तो इसका पॉपुलरिटी और भी बढ़ेगा। तो चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।